हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं, बड़ी देर से हम सोच रहे थे कि सभी का जो है चेकअप होना चाहिए। हमारे 3000 कोई सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जिसमें कॉमन हैं, कैजुअल हैं और एनजीओ वर्कर्स हैं। तो आज हम हमारा पहला कैंप जो है शनिवार को जो है यहाँ बख्शी नगर वार्ड 27 में हम लगा रहे हैं चर्च में। इसी तरह से हर शनिवार को ये सारे कैंप तब तक चलते रहेंगे जब तक एक एक वर्कर का चेकअप ना हो जाए। मेन मकसद यही होगा कि हमारा कोई वर्कर जो है वो क्रॉनिक डिजीज से सफर तो नहीं कर रहा। जैसे आजकल आपको देखा होगा सभी को, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर भी हो रहा है, तो उसको इनिशियल स्टेज में अगर हम डायग्नोज कर लेते हैं तो हम उसकी जान भी बचा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकते हैं। तो एक काफ़ी जैसे सैनिटेशन वर्कर की डिमांड भी थी। हमारे जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट का कमिश्नर साहब ने काफ़ी बार मुझे कहा कि डॉक्टर साहब तो बीच बीच में कैंप करते रहते हैं, क्यों ना एक एक वर्कर का जो है वो फॉलोअप किया जाए। तो उनकी डायरेक्शन के अंडर जो है ये कैंप जो है लगाया जा रहा है, और ये कैंप जो है तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा लास्ट वर्कर का चेकअप ना हो जाए। फिर इनका प्रॉपर एक डाटा बनाया जाएगा और उनको फॉलो किया जाएगा। जो भी पेशेंट जो है वो किसी की बीमारी से निकलेगा उसको पूरा मेडिकल कॉलेज में फॉलोअप होगा और उसकी पूरी टेस्टिंग होती रहेगी। ये सारा सब कुछ जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से अपने वर्कर्स के लिए फ्री रहेगा। इसमें कोई टेस्टिंग के लिए कोई पैसा नहीं होगा और किसी इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो फिट रहें, और बाकी जो भी इम्प्लाइज हैं हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाद में ये कैंप जो है उनको भी सेंड किया जाएगा, ताकि एज अ होल जिला डिपार्टमेंट के लोग हैं जो काम करते हैं उनको फिजिकली फिट देखा जाए और मेंटली साउंड देखा जाए।